हरे कृष्णा। सो बीच में थोड़ा सा अंतराल हो गया था, तो विजय कृष्ण प्रभु ने कुछ स्पेशल क्लास दिया था। आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बच्चों के परवरिश के ऊपर। ज़्यादातर ये प्रश्न होता है कि बच्चों को अनुशासन में कैसे रखेंगे, डिसिप्लिन कैसे करेंगे। ऐसा होता है ना कि हर एक का वो बच्चे को डिसिप्लिन में करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि सही तरीका क्या है। तो प्रभुपाद हैं और पूर्ववर्ती आचार्य हैं और आध्यात्मिक ग्रंथों में क्या बताया गया है, उससे हम थोड़ा सा सीखेंगे। सो ये PPT जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वो आप घर पे जाके भी फिर से देख सकते हैं। इंग्लिश में है लेकिन सरल है, आप देख सकते हैं। तो भगवद गीता के 3:21 श्लोक में बताते हैं, भगवान बताते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ एवे देवे तर जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े लोग, जो महान लोग हैं, जो कार्य करते हैं, वही जो सामान्य जन है उसको अनुसरण करते हैं। जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने एग्जाम्पल से, उसको पूरी जो दुनिया है वो फॉलो करती है। कैसे होता है फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ऐसे आता है ना, इतने मिलियंस में है, बिलियंस में है, ऐसा होता है ना। कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, नेता है, अभिनेता है, तो भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि जो बड़े करते हैं वो छोटे उसका अनुसरण करते हैं। जैसे जो बड़े करेंगे वही छोटे करेंगे। सो उसके लिए हम एक मॉडल से समझेंगे। अभी सबको शॉर्ट में चाहिए ना, तो MMOT मॉडल है, ट्री मॉडल है वेरेंडिंग का। ट्री मतलब पेड़, तो पेड़ में सबसे नीचे क्या होता है, जड़ होती है। तो वो जड़ है, तो एम मतलब मॉडलिंग। तो आप खुद को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। दूसरा एम है मेंटरिंग, तो जो उसका ट्रंक है, गुजराती में थर्ड कहिए आपने, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तना, तना। फिर थर्ड इज ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, जो उसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस। और टी मतलब टीचिंग, सिखाना तो बाद में आता है, वो है फ्रूट्स। सो MMOT, एम मतलब मॉडलिंग, दूसरा एम मतलब मेंटरिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग और टी मतलब टीचिंग। तो जो बच्चे को सिखाना है वो लास्ट में आता है, जैसे जड़ है, तना है, शाखाएं हैं और उसके बाद फ्रूट्स आता है, वैसे मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड टीचिंग। तो ये फ्लो में हम उसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहला है मॉडलिंग। तो पेरेंटिंग है वो एक बड़ी ड्यूटी है, कितने लोग मानते हैं। उससे अच्छा है ब्रह्मचारी बनना इजी है कि नहीं, वो भी डिफिकल्टी है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं और गृहस्थ बने हैं, तो उसमें भी कुछ इजी नहीं है, उसमें भी और काफी जिम्मेदारियां हैं, वो हम देखेंगे कैसे। तो बच्चों को तो बड़ा करना है, लेकिन साथ साथ में भगवान के प्रति आकर्षित हो, वो भी हमें उसका ध्यान रखना है। और जो बच्चे हैं उनका जो छोटी उम्र है, तो उसके अंदर वो काफ़ी सीख सकते हैं। जैसे हमें कुछ श्लोक सीखने हैं तो डिफ़िकल्ट होता है, कुछ नया पढ़ना है तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं क्योंकि उनकी एज में इजी हो जाता है। अगर जो माता पिता हैं वो दैवी जो गुण हैं विकसित करेंगे, जैसे कि नम्र होना, जैसे कि और लोगों को आदर देना और भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, तो बच्चे भी वो देख देख के सीख जाएंगे। बच्चे आप जो करेंगे वो नेचुरली करते हैं। सो वो आपका जो उपदेश है उसको तभी सिंसियरली लेंगे जब आप जो उपदेश में बता रहे हैं वह आप स्वयं कर रहे हैं। तो वो आपका जो बिहेवियर है उसको पकड़ेंगे, आपके इंस्ट्रक्शंस को बाद में पकड़ेंगे। अगर आपका बिहेवियर, आपका जो वर्तन है वो गलत है और आप इंस्ट्रक्शन सही भी देंगे तो उसको नहीं पकड़ेंगे। तो मॉडलिंग अच्छे से होना जरूरी है।
जैसे एक सिंपल उदाहरण है, कितने भक्तों के घर पर टीवी है, मोबाइल तो सबके पास है। सो अगर हम बच्चों को बोले कि ये बच्चे आप पढ़ाई करो, आप टीवी मत देखो, और आप टीवी देखेंगे तो देखेंगे ना, तो कितनी माताएं हैं और प्रभु जी हैं जो बच्चों को ना बोलते टीवी नहीं देखना चाहिए, है कोई? बाकी तो जो देखते हैं तो बोल भी नहीं पाएंगे ना अभी तक। तो अभी इसीलिए अगर आपको बच्चे से जो वर्तन आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये नहीं करना है, तो आपको पहले आपको बंद करना पड़ेगा, या फिर जो करवाना है तो वो आपको पहले खुद करना पड़ेगा। तो एक गायनेकोलॉजिस्ट का उदाहरण है कि उनकी बच्ची 10th स्टैंडर्ड में थी, तो उनको बोलते थे कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो बेटा बोलता है कि भाई मम्मी आप तो पढ़ाई नहीं करते हो, आप तो काम करते हो। तो उन्होंने क्या किया, LLB का कोर्स ज्वाइन कर लिया, 3 साल का रहता है LLB, कोई भी ग्रेजुएट कर सकते हैं। तो जब बिटिया उनकी 10, 11, 12, 3 साल का उनका हो गया, तो उन्होंने भी LLB कर लिया। बेटी को खुद अपने उदाहरण से बताया कि मैं भी पढ़ रही हूँ तुम भी पढ़ो, तो वो पढ़ने लगी, तो बेटी ने भी अच्छा कर लिया। तो अगर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि बेटा आप पढ़ाई करो, तो आप उनके बुक्स पढ़ेंगे, आप भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, कर सकते कि नहीं? फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए, वो देख के वो भी पढ़ेंगे। आप मोबाइल के साथ खेलोगे तो वो भी मोबाइल के साथ खेलेंगे, आप टीवी देखोगे तो वो भी टीवी देखेंगे, सरल है। सो आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर जो गैप आता है वही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बिहेवियर को फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे बताया जाता है कि जो पति पत्नी है दोनों में अच्छे गुण हैं और प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक रहते हैं, तो वहाँ पर अच्छे बच्चे आते हैं और वो पूरा जो परिवार है वो शांतिपूर्वक खुशहाल जिंदगी बिता सकता है, श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है प्रभुपाद जी ने। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडलिंग अच्छे से करना पड़ेगा। वो रूट्स दिखते हैं कोई पेड़ के, तो वो रूट्स नहीं दिखते ना हमें, तो वो अंदर रहते हैं, लेकिन यही मेन है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो हम सही गलत कुछ भी करते हैं तो बच्चे उसको बिना समझे इमिटेट करते हैं, वैसा ही करते हैं। अगर किसी के घर में स्मोकिंग होता है, बचपन से बच्चा देखता है, तो उसके लिए वो बड़ा हो गया तो उसके लिए स्मोकिंग नॉर्मल है। अभी कोई दारू पीते हैं कहीं, कोई काफ़ी और स्टेट्स में ऐसा है कि वहाँ पे नॉर्मल है, वहाँ पे छूट है। गुजरात में कैसा है कि लोग छुप छुप के पीते रहेंगे, लेकिन कुछ स्टेट्स में क्या है, ओपनली पीते हैं। तो बच्चे, छोटे बच्चे नहीं पीते, लेकिन वो देखते हैं कि नॉर्मल है, तो फिर वो बड़े हो जाएंगे तो वो क्या अपनी पार्टी करेंगे अलग, फिर और बड़े हो जाएंगे तो साथ में पीना चालू हो जाएगा। सो बच्चे हैं वो ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, तो उनके कान छोटे होते हैं और आँखें बड़ी होती है, वो देखते ज़्यादा है सुनते कम है। ऑब्जर्वेशन है ऐसे माताओं का, सांभता नहीं छोकरा, वो कह सुनता नहीं है, वो देखते हैं, इसलिए आपको जो करना उनसे करवाना है ना वो आप करना चालू कर दो। अगर आप फ़ोन पे बोलोगे कि बेटा अंकल को बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो उनको लगेगा ये कोई झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो भी झूठ बोलना सीख जाएंगे आपसे। तो इसलिए उनको लगेगा कि ओनेस्टी, प्रामाणिकता, ये कोई बड़ी क्वालिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप बच्चों से एक्सपेक्ट करो मेरे से झूठ मत बोलो, तो वो सोचेगा कि पापा उसको झूठ बोलने का बोल रहे थे, लेकिन खुद से वो सही, तो फिर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो वो कभी भी नहीं करना है। अगर हम बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं तो उनको लगेगा कि गुस्सा करना नॉर्मल है, तो भी वो भी सीख जाएंगे। फिर बोले बड़ों के सामने ऐसे जबान चढ़ाते हो, बोलते हैं ना हम लोग, तो आपको जबान चलाते हुए देख के तो वो सीखा है, ऐसे कॉमनली हम देखते हैं ना, तो बच्चे सीखते हमसे ही है। सो मॉडलिंग, इसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा पेरेंट्स को। तो हम सबसे पहले टीचर है, गुजराती में ये कहवत है, 1 माँ 100 शिक्षकों की गरज सारे, मतलब जो 100 टीचर्स नहीं पढ़ा सकते ना, अगर अच्छी क्वालिटी की माँ रहेगी ना तो उससे ज्यादा पढ़ा सकती है, राइट? और अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम है कि माता जी आजकल व्यस्त हैं और कार्यक्रम में, आजकल ज्यादा जॉब करते हैं माता जी, या फिर मतलब मोबाइल टीवी मतलब इतना वो है। वो एक मेरे मित्र है, सीनियर फिजिशियन है, 65 एज है उनकी, वो 3 भाई है, एक इंजीनियर है और 2 डॉक्टर्स है,
तो बोलते कि मेरी मम्मी जब हम छोटे थे, मतलब वो छोटे थे लोग, मतलब 50 साल 60 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो वो हर रोज बादाम का सीरा बना के खिलाती थी, इसलिए अभी भी मेरी मेमोरी अच्छी चल रही है। उनके अभी 65 की एज में भी मेमोरी बहुत अच्छी, मेरे से भी अच्छी। तो उसका मतलब क्या है, वहाँ उस समय की माताएं कैसी थी, बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी, वो कितनी पढ़ी लिखी शायद नहीं भी रहती थी लेकिन वो ज़्यादा ध्यान रखती थी। अभी की माताएं क्या है, पढ़ी लिखी ज़्यादा है लेकिन बच्चों का ध्यान इतना नहीं रख पाती हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। तो प्रायोरिटी बच्चों को रखना पड़ेगा आपको। सो एनी बिहेवियर ऑफ द टीचर कंस्टिट्यूट टीचिंग। अभी जैसे मैं धोती कुर्ता पहना है ना, तो मेरा बच्चा है वो भी जीत करता है कि मुझे धोती कुर्ता ही पहना। मैं बोला अभी थोड़ा गंदा हो गया, बोले चलेगा मैं वो पहन लूँगा, लेकिन मुझे यही चाहिए। सो पेरेंट्स हैव टू बी द बेस्ट रोल मॉडल्स। जैसे आपका भी ऐसे रहेगा, आपके माता पिता से ज़्यादा प्रभावित रहेंगे जब छोटे रहेंगे, तो क्योंकि आपके लिए वही दुनिया रहती है। फिर बड़े होते तो टीचर्स, फ्रेंड सर्कल, वो सब इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मैं अपने पिताजी से ज़्यादा प्रभावित था, तो आप भी अपने या माता या पिता से ज़्यादा प्रभावित, आपके लिए वही हीरो रहते हैं जब छोटे हैं, तो आपको उनके जैसा ही बनना है। सो आपके जो शब्द है वो आपका जो वर्तन है उसको मैच होना चाहिए, बिहेवियर को मैच होना चाहिए। जब वो आपके जो बिहेवियर है उसका प्रशंसा करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो अपने आप वो सीखेंगे। जैसे हमारे कुछ टीचर्स ऐसे थे कि जो अभी भी याद है हमको, कैसे टीचर थे हमारे, नाम के साथ कैसे पढ़ाते थे वो सब याद, और कुछ टीचर्स आके चले गए। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं। जैसे राधे श्याम प्रभु आते हैं तो काफ़ी भक्त सुनने के लिए जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ क्वालिटी है। और काफ़ी सीनियर भक्त आते हैं, कुछ महाराज आते हैं, तो काफ़ी लोग जाते हैं, तो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, उसके लिए हमें रिस्पेक्ट है, एडमायरेशन है, इसके लिए हम उनको फॉलो करते हैं, ट्राई करते हैं। तो हमें भी वही चीज़ें हमारे अंदर लाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी 1975 में हिरण्यगर्भ प्रभु हैं, उनको क्या बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के जो गुण हैं, समो दमस तपस शौचम। तो जो कोई भी शिक्षक है उसको ब्राह्मण के क्वालिटीज़ अपने अंदर लाने चाहिए। पढ़ाने का काम ज़्यादातर कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं। तो इवन हम माता पिता हैं तो भी हमें सात्विकता हमारे अंदर लानी पड़ेगी। तो क्या लाना पड़ेगा? अच्छे क्वालिटीज लाने पड़ेंगे। तो हमें अपने खुद के उदाहरण से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि अपनी आचारी भक्ति करील प्रचार, पहले हमारा भक्ति का आचरण करो फिर प्रचार करो। अगर हम ही बुक नहीं पढ़ेंगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे, प्रभु जी ये ले लो बहुत अच्छी बुक है, फिर वो कोई पूछेगा प्रभु आपको पता है कितने चैप्टर इसके अंदर, पूरे देखना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि आपको मेरे पुस्तक पढ़ने चाहिए, फिर बांटने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे ही आप चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे बताया जाए कि हमें 16 माला रेगुलर करनी चाहिए और नियम पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम जो करेंगे ना, वो बाकी के लोग प्रभावित होकर अपने आप करने लगे। मेरा खुद का अनुभव है कि मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, लोग मिलते हैं तो लोगों का नॉनवेज बंद हो जाता है, उनकी गलत आदतें बंद हो जाती है, वो एकादशी करना चालू कर देते हैं। तो उसके लिए आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, वो देखते हैं कि आप क्या करते हो, वो ऑब्जर्व करते हैं। लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हम चाय नहीं पीते, तो पूछते हैं आप चाय क्यों नहीं पीते, आप कॉफ़ी क्यों नहीं पीते, तो हम उनको समझाते हैं कि वो भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, वो कुछ साइंटिफिक समझाने की ज़रूरत नहीं है, सरल तरीका से। तो धीरे से क्या होता है, वो लोग भी छोड़ देते हैं। तो गलत चीज़ें अपने आप, एसोसिएशन, तो आपका एसोसिएशन आप तब दे सकते हैं कि जब आपका जो जीवन है उसको आपको उदाहरणीय बनाना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? प्रभुपाद जहाँ पे भी गए, कहीं पे भी गए, तो लोगों को प्रभावित किया। तो प्रभुपाद हमसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जहाँ पे भी जाओ, आपके जीवन में वो आचरण लाओ, तो आपके घर के अंदर और घर के बाहर सब जगह पे उसका प्रभाव होगा। तो पहला क्या सीखे हम? मॉडलिंग, यानी कि रूट्स। दूसरा है मेंटरिंग, तो उसमें केयर्स मॉडल है। सी मतलब केयर, ए मतलब एप्रिसिएशन, आर मतलब रिस्पेक्ट, ई मतलब एनकरेजमेंट, और एस मतलब सर्विस या सेक्रीफाइस। तो एक एक करके समझते हैं हम। सो
पेरेंट्स का सबसे पहले जिम्मेदारी क्या है? बच्चों का ध्यान रखना, केयर करना, राइट? माताओं को तो ज्यादा पता रहेगा, वो प्रभु जी तो जॉब के लिए या बिजनेस में चले जाते हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान उनको ज्यादा रखना पड़ता है, और जब तक वो 5-6 साल के होते तब तक ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें देखना चाहिए कि वो बैलेंस लाइफ जी रहे हैं कि नहीं। भगवद गीता में 6 अध्याय में बताते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो यहाँ पे बताते हैं कि युक्त आहार मतलब बच्चों को सही पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, और जब वो खाना हम भगवान को भोग के रूप में अर्पण करके प्रसाद के रूप में देंगे तो डबल फायदा है। पौष्टिक खाना तो है लेकिन वो भगवान की कृपा भी उसमें मिल जाती है। विहारस्य मतलब घूमना फिरना भी बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि बहुत खिला रहे हो आप, एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हो, या फिर खाना अच्छे से नहीं दे रहे हो, एक्सरसाइज ज़्यादा करवा रहे हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु उसको जो कार्यकलाप है चेष्टाएं हैं वो सब बैलेंस होना चाहिए। युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगो भवति दुःखा सोना रेस्ट करना वो सब बैलेंस में होना चाहिए, और ये सब चीज़ें बैलेंस में रहेगी तो ही वो भगवान के साथ जुड़ पाएगा। बताते हैं कि जो डेली शेड्यूल है उसको रेगुलेटेड रखना चाहिए, उठने से लेके सोने तक के जो कार्यकलाप हैं वो रेगुलेटेड होने चाहिए। तो क्या होगा, आपका रेगुलेटेड रहेगा तो बच्चे का होगा ना। सो पेरेंटिंग इज नथिंग बट ये सब जो चीजें बता रहा हूं ना वो आपको अपने अंदर करनी है। ये लोग ज्यादातर सोचते हैं कि प्रभु जी ऐसा कुछ मैजिक फॉर्मूला बताएंगे कि बच्चे हमारा मान जाए, तो मैजिक फॉर्मूला यही है कि आप मेरा मान जाओ तो बच्चे आपका मान जाए। इजी है, क्योंकि बच्चों से करवाना डिफिकल्ट है। अभी जो मेरा बच्चा है, अब अगर कुछ मेरी वाइफ के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है तो फोन पे मैं उसको 20 सेकंड में बात करूंगा, वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरी वाइफ कई बार पूछती है कि आप क्या बताते हो, मैं बोला वो ये सीक्रेट है। उसके लिए क्लास में आना पड़ेगा, इधर सीक्रेट है वो। तो बैलेंस डाइट देना चाहिए, प्रसादम देना चाहिए, पर्याप्त नींद देनी चाहिए, रिक्रिएशन फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल देना चाहिए उनको। अगर माता पिता है वो रेगुलेटेड हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, घर में प्रेम पूर्ण वातावरण है, और बच्चों को हम उनको जो भावनाएं हैं वो प्रकट करने के लिए अवसर दे रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चे हेल्दी वे में आगे बढ़ेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनके पिताजी, तो बताते हैं कि वो जब घर पर आते हैं, वो मैजिस्ट्रेट थे उस समय पर, तो बताते हैं कि मैं घर पे आता हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वैकुंठ में आ गया हूँ। और कई बार माताओं और पिताओं को घर पे जाते तो लगते कहाँ पे आ गए, होता है कई बार ऐसा अनुभव। तो ऐसा अनुभव इसलिए होता है क्योंकि हमने ही वैसा वातावरण बनाया हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे करेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा वातावरण हमें बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी बात है अप्रिशिएट करो, उनको सराहना करो, कुछ अच्छा कर रहे हैं तुरंत। तो इसीलिए क्या करना है, वी हैव टू कैच देम डूइंग राइट। हम ज्यादातर उल्टा करते हैं, बच्चा ये मत करो, बच्चा वो मत करो। आजकल मम्मी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्लीज डोंट डू इट, ऐसे बताते ना। मम्मियों को आजकल इंग्लिश ज्यादा अच्छा लगता है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं ना। एक बिल्ली ऐसा नहीं बोलेगी, बेटा दिस इज कैट, केला है तो दिस इज बनाना। अरे बच्चे को अपने मदर टंग में पढ़, उसको मजा उसमें आता है। मैं बच्चे को स्टोरी बताता हूँ कई बार, तो बोले वो आप बोले गुजराती में छो, आपका जो मदर टंग है रिस्पेक्ट यार मदर टंग। आप ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो बाकी के लोग कैसे करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। वो मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ तो अभी हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, सब कुछ आ जाते, संस्कृत भी आती है मुझे, तो बच्चा सीख जाएगा। छोटा है ना तो उसको मदर टंग में प्यार करो, मदर टंग में सुनाओ सब कुछ। घर में इंग्लिश को निकाल दो आप, जितना पॉसिबल हो ना उसको निकाल दो आप। आपका मदर टंग है जो भी है, मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, एक्स वाई जेड जो भी लैंग्वेज है, उसको मैक्सिमम, क्योंकि उसमें आप एक साथ जुड़ोगे, आपकी संस्कृति उसके साथ ही जुड़ी है, लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको बहुत हल्के में मत लो। ऐसे लोग अरे IELTS में 9 में से 8 बैंड आ गए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसको आप मदर टंग आएगी तो वो मदर के साथ और संस्कृति के साथ जुड़ा रहेगा। सो
बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? समय चाहिए, छोटा सा क्वालिटी टाइम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा समय चाहिए बच्चों को, राइट? थोड़ा समय देंगे, आधा घंटा एक घंटा तो नहीं चलेगा, वो सुबह शाम दोपहर जब भी है तो समय समय समय। सो हमें ऐसा समय स्केड्यूल बनाना चाहिए कि हम हर रोज कुछ समय बच्चों को फिक्स दे सकें। जैसे मेरा ऐसा है कि मैं सोने से पहले कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट तो हम लोग ऐसे कंपलसरी है, मतलब कि मैं जल्दी सोता हूँ, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा थोड़ा लेट सोते हैं तो उसको पता है कि मैं सोने को गया हूँ तो वो तुरंत आ जाएगा 5 मिनट्स, फिर हम 5 मिनट्स में कुछ स्टोरी करेंगे या फिर कुछ श्लोक सीखेंगे या एक्स वाई जेड कुछ तो सीखेंगे, तो वो एक बॉन्ड हो जाता है आपका। आप झूला है तो झूले पे बैठ के कुछ 10-15 मिनट एक फिक्स ऐसे टाइम कर दो बच्चे के साथ। वेट टाइम नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हम तो एक घंटा देते हैं, कैसे? तो साथ में टीवी देखते हैं, देते हैं ना, ऐसे ऐसे काफी फैमिली मेंबर्स टाइम देते हैं ना, वो टाइम कुछ काम का नहीं है, उसमें वो देखता है कि सब नेगेटिव चल रहा है तो वो भी नेगेटिव ही सीखेगा। लेकिन जब अलग से पर्सनल टाइम, ऐसा भी नहीं कि कॉमन फैमिली टाइम, जैसे आपके घर में 4 सदस्य हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, बीवी है, बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो दोनों को अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे को ऐसा नहीं है कि आप अलग से पूछोगे तभी बताएगा वो। तो मम्मी है तो उसको अलग से 10-15 मिनट दो, पिताजी है उसको 10-15 मिनट दो, वाइफ को थोड़ा समय अलग से दो, बच्चों को भी अलग समय दो। तो सबको अलग अलग समय देना जरूरी। माताएं तो देती हैं, जो हस्बैंड्स हैं पिताजी हैं वो लोग क्या है, वो थके हुए हैं तो टाइम ही नहीं देते, तो वो देना जरूरी है, समय देना जरूरी है। तो मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं टाइम इज मनी, क्योंकि लेट पेशेंट आता है तो क्या होता है, उसका बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जितना जल्दी आता है उतना जल्दी अच्छा कर सकते हैं। रिस्पेक्ट, जैसे हमें कोई मान दे तो अच्छा लगता है, वैसे बच्चों को भी ऐसा ही है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, प्रभु जी अच्छे से कीर्तन कर रहे हो, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसको क्या उत्साह मिलता है, वो फिर से और अच्छे से करेगा। अरे आप अच्छी सेवा कर रहे हो, आपके हैंडराइटिंग अच्छे हैं, जो अच्छा है उसको बोलना है ना, आपको झूठ थोड़ी बोलना है, तो उसको एप्रिसिएशन भी करना है, रिस्पेक्ट भी देना है। अगर हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे और ज़्यादा डांटते रहेंगे तो वो क्या है, बड़ा हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा उसका, उसको डर लगेगा कि मैंने ये कुछ कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि घर पे डांटते रहते हैं तो बाहर जाके उसको डर लगेगा, तो फिर वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। बाद में बोले जो आओ ना आओज रहे हो, बनाया चेक तुम्हें, आपने ही तो ऐसा बना दिया डांट डांट के। सो वी हैव टू टीच देम म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरों का रिस्पेक्ट कैसे करना है वो सिखाना है। जैसे हम डिवोटीज में देखते हैं कि कभी भी मिलते हैं तो वैष्णव प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वैसे ही घर पे भी ऐसा वातावरण होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम घर को ही भक्त नहीं ऐसा मान लेते हैं, बाकी सब भक्त हैं, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। घर पे भी भक्ति हैं, वो भी आपकी तो सेवा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं बाकी भक्तों से, वो हर रोज खाना माता जी बनाएंगे तब आप खाते हो, सही है? सो एनकरेजमेंट देना चाहिए, एनकरेजमेंट, जैसे बच्चों को सपोर्ट करना है, प्रेरणा देनी है। जब वो फेल हो जाते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें वो कुछ फेल हो गए, तो उसको क्या करना है, आपको उसको बताना कि बेटा इसमें से आप क्या सीखे हो, फेल हो गए कोई बात नहीं लेकिन इसमें से कुछ लेसन सीखे हो, तो उसको समझाओ कि फेलियर में भी कुछ सीख सकते हो, और अभी लाइफ में तो काफ़ी कुछ चीज़ें आनी है तो आगे जाना है। जैसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे सकते हो, लाइक अच्छे शब्द बोल दीजिए आप उसको, स्माइल कर दीजिए उसको, आप हग कर दीजिए, उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, तो अच्छा लगता है। बड़े लोगों को इतना वैल्यू नहीं होता ये सब चीज़ों का, लेकिन जो बच्चे हैं उनको ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका सेल्फ एस्टीम जो है, स्वमान, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो लाइफ में आगे पढ़ रहे हैं। अगर हम उनको बहुत डांटते रहेंगे बच्चों को, तो फिर क्या बड़े होके क्या होगा, वो उनको ऐसा लगेगा कि वो अपने आप को कुछ ऐसा
इम्पोर्टेंट जगह पे नहीं समझ पाएंगे, वो अपने आप को नीचा ही समझेंगे, तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें उनको समझाना चाहिए कि जैसे आप सफल हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये करके आप आगे जा सकते हो, और अगर कुछ सफलता नहीं मिली तो अनुभव मिलता है, कुछ तो सीखते हैं। लिंकन के बारे में बताया जाता है कि सारी वो जितनी भी वो इलेक्शंस में जाते थे हारते थे, लेकिन जब डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो वो जीत गए थे। अगर उन्होंने पहले इलेक्शन या दूसरे इलेक्शन में छोड़ दिया रहता था तो कभी भी वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। तो जीवन में आप जहाँ पे हैं वहाँ से आप सीखते आगे आगे बढ़िए। आगे सर्विस एंड सेक्रीफाइस, कैर्स मॉडल में सर्विस एंड सेक्रीफाइस। तो जैसे मैंने बताया कि हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहिए बच्चों के साथ। आप ऐसे बच्चे ने कुछ गलती कर दिया है लेकिन आप उसको अरे बेटा छोड़ दे कोई बात नहीं, क्या रीजन था ऐसा हो गया, तो वो बताएगा, नहीं तो क्या होगा छुपाएगा वो, फिर वो बाहर जाके बताएगा, फिर बोलो बाहर तू कह रहा है मुझे क्यों नहीं बताता है। तो आपको वही सोचना है क्यों नहीं कर रहा है, वो आपको सोचना है, उसको नहीं पूछना है। बच्चा उसके फ्रेंड सर्कल में जाके बता रहा है, किसी और को बता रहा है, आपको नहीं बता रहा है, मतलब आपके साथ कंफर्ट जोन या रेपो नहीं है। काफी माता पिता आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने हिसाब से शादी कर लेते हैं तो बोलते हैं हमारी नाक कटवा दी, तो ऐसा क्यों किया उसने, क्यों किया उसने, क्योंकि आपने रेपो ही नहीं बनाया। अगर आपने रेपो बनाया रहता तो उसको झिझक नहीं होती ये कोई चीज बताने में आपको, कि भाई उसको ये लड़का ये लड़की पसंद है, तो आप बता सकते बेटा ये आपके लिए ठीक है या ठीक नहीं है, लेकिन आपने रेपो बनाया। आप हमेशा क्या है एक मालिक की तरह ही बर्ताव किया है। कुछ सालों पहले तक ऐसे रहते थे बच्चे पिताजी से बहुत डरते थे, मम्मी एमज के हमारा पप्पा आवश्य तू होमवर्क करी दे जमी ले तू हाँ एवं वातावरण जेलू हे ते लोग थतु तू नहीं पहला पप्पा आगे बोलवाज नहीं तो वो गलत है, क्योंकि सही में पिताजी ऐसे नहीं होते थे लेकिन मम्मी लोग ऐसे उसको डराते थे। कुछ पिताजी रहते रहेंगे ऐसे लेकिन सारे पिता ऐसे नहीं थे, लेकिन ऐसे इमेज, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो कई बार गांव जाता हूँ तो बोलते हैं कि जो आ डॉक्टर अंकल से आ तो बधु होमवर्क ने बधुँ कर ले जाए भाई इंजेक्शन मैं आ शू अंकल है तब तक ठीक है, डॉक्टर अंकल क्यों बना रहे हो, तो पिता को राक्षस क्यों बना रहे हो आप, पिता रहने दो ना उसको। सो ऐसे होता है कि बच्चे शुरुआत में हेजिटेट करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आप जैसे उनके साथ क्लोज हो जाएंगे तो बच्चे आपको बताएंगे। सबसे अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं बच्चों के साथ। अगर कुछ गलत भी करके आ जाए तो उसके अंदर उतनी हिम्मत आएगी कि वो आपको आके पहला बताएगा, आपसे भागेगा नहीं, तो वो लेवल पे जाना है आपको। तो थर्ड एस्पेक्ट देखेंगे, फर्स्ट इज मॉडलिंग, दूसरा है मेंटरिंग, थर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग, मतलब आपको सही सब जगह पे रखना है, तब वो टीचिंग होगा बाद में। तो पहले आपको खुद को अपना एक एग्जाम्पल सेट करना है, मतलब आप सोचते हो कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा ना, आपको आलस आ रही है पढ़ने में, बेटा जो हमें भण्या नहीं ने એટલે આવું કરવું પડે છે, તો બાળક નહીં જ ભણે ને, આપકો પઢ કે અરે બેટા ઉસ સમય મેં નહીં પઢ પાયા લેકિન અભી મેં પઢ રહા હું, આપ જહાં પે રુક ગયે થે તો વહાં સે આગે પઢો, તો બચ્ચે કો ભી પ્રેરણા મિલેગી કે નહીં, વો બુક્સ નહીં તો પ્રભુપાદ કી પુસ્તકે પઢો। પઢના એસા જરૂરી નહીં હૈ કે આપ સ્કૂલ કી પુસ્તકે હી પઢો, કુછ ભી પઢ સકતે ના, ઓર પ્રભુપાદ જી ને ઇતની પુસ્તક દી હૈ હમે કે મતલબ પૂરી જિંદગી ભી પઢેંગે ના તો ભી કમ હૈ હમારે લિયે। તો મેં એક વાતાવરણ બનાના પડેગા कि जहाँ पे वो उनका जो बिहेवियर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे वो नेचुरली आए, स्वाभाविक तरीके से आ जाए। तो कल्चर कैसे बनाना है वैसा, जहाँ पे कृष्ण को सेंटर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो टीवी कहाँ पे, ये रूम में ढूंढिए आप, ज़्यादातर ये जगह पे टीवी रहता है ना, यहाँ पे क्या है, भगवान विराजमान है। तो भगवान को आपको सेंटर में रखना है। आजकल हमारा क्या हो गया है, इडियट बॉक्स को सेंटर में रखते हैं, रखते हैं कि नहीं, तो सेंटर में भी रखते हैं और हर एक रूम में भी रखते हैं अभी तो। जैसे अटैच बाथरूम रहते हैं ना, वैसे वो ये बिल्डर क्या करते हैं, हर एक रूम में टीवी का पॉइंट्स भी दे देते हैं, देते कि नहीं।
सो हमारे घर को एक मंदिर की तरह बनाना है, जहाँ पे क्या हो, भगवान की सेवा पूजा हो, मॉर्निंग प्रोग्राम हो, भगवान के पवित्र नाम का जप हो, आरती हो, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन हो। ऐसे जैसे हम यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं, ऐसे भगवान के सत्संग के प्रोग्राम रख सकते हैं, भजन कीर्तन हो। तो भगवान के आनंद के लिए अलग अलग प्रवृत्ति घर में होनी चाहिए। तो धीरे धीरे बच्चे जो देखेंगे ना, वो सीखेगा, जो देखेगा वो सीखेगा, वो देखेगा कि हाँ ऐसे नीचे बैठना है, एक घंटा बैठना है। तो हम इतने 5-10 साल के तो बैठते थे घंटा, ये बच्चे बैठ रहे हैं, वो देख देख के सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सीख रहे हैं कि ये अच्छी बात है। तो वो उनका जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं, उसके अंदर ये सब चीजें पॉजिटिव संस्कार जाते हैं। महाराज बताते थे एक बार कि अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, समझो इंग्लिश में लेक्चर चल रहा है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आध्यात्मिक कुछ कार्य चल रहा है, आप बैठेंगे वहाँ पे, सुनेंगे, समझ में नहीं आएगा तो भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा। जैसे कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको मंत्र नहीं आ रहा है, जैसे भगवद गीता का या और कोई ग्रंथों का, भगवतम का मंत्रोच्चार हो रहा है, तो वातावरण को पवित्र करता है। इसलिए अगर आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप का अर्थ पता है या नहीं पता है, लेकिन जब आप मंत्र का जप करते हैं तो उसका पॉजिटिव बेनिफिट आपको मिलता ही है। इसलिए हमें भगवान के पवित्र नाम का जप हमेशा करना चाहिए। तो बच्चे क्या है कि फिर बड़े हो जाएंगे तो अपने आप करेंगे। जैसे विजय कृष्ण प्रभु का बच्चा है, बच्ची है, छोटे हैं अभी, 16-18 साल के हैं, तो अभी भी वो वैष्णव की तो दीक्षा हो गई है, और उनकी जो बिटिया है वो भी अभी दीक्षा थोड़े समय के बाद हो जाएगी। तो वो देख देख के सीखते हैं, पढ़ाई भी कर लिया अच्छे से, और साथ साथ में उन्होंने भक्ति में भी अग्रसर हुए। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहाँ जाना है, ये हमारे संस्कार ही हमको बचाएंगे। तो मैंने ऐसे काफ़ी बच्चों को देखा है कि जिनको घर पे अच्छे संस्कार मिले, हॉस्टल में जाते हैं तो गलत आदतें नहीं लगती है, और अगर उतना प्रोटेक्ट नहीं किया है तो वहाँ पे जाके कुछ भी गलत सीख सकते हैं। प्रभुपाद जी हंसदूत प्रभु को बताते हैं कि जो बच्चे हैं भगवान ने हमें उपहार के रूप में दिए हुए हैं। जिसको बच्चे नहीं है उसको पूछो, ये पीर को वहाँ पे जाएंगे, वो माता जी को जाएंगे, ये दर्शन के लिए जाएंगे, ये डॉक्टर के पास जाएंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन प्रभुपाद की बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि बच्चे भक्तिमय वातावरण में आगे बढ़े और बड़े होकर भक्त बने। तो ज्यादातर भक्तों का क्या रहता है कि हम भक्ति करें लेकिन बच्चे है ना मटेरियलिस्टिक लाइफ में आगे बढ़े। ज्यादातर माता पिता जो भक्ति में आते हैं ना, उनका भी थोड़ा सा सटल इच्छा ऐसी रहती है कि जो हम नहीं कर पाएंगे ना तो वो करवाते हैं उनसे, तो उनसे एक ही चीज करवाओ, भक्ति करवाओ, बाकी का तो सब हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अर्थ और काम तो आपके पूर्व कर्म है उसके हिसाब से मिलने वाला ही है, तो उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। और जो भक्त हैं वो तो मोक्ष के लिए भी प्रयास नहीं करते हैं, अहेतु की भक्ति के लिए भक्ति करते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ भक्ति, पर्पज इज ऑल्सो भक्ति। सो जब कृष्ण हमारे घर के राजा बन जाएंगे, मुख्य व्यक्ति बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। तो कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, जहाँ पे कॉमन वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं। तो हमारे कॉमन वैल्यूज क्या है, जैसे हम सनातन धर्म में हैं तो कुछ बेसिक वैल्यूज हैं, तो उसको हम पकड़ के चलते हैं। जैसे आज से 50 साल पहले चले जाओ तो बहुत कॉमनली ये सब चीज़ लोगों को फॉलो, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको। उस समय पे कोई जीन्स पहनता था? तो 50 साल पहले का फोटो निकालोगे ना तो मैंने जैसे कपड़े पहने हैं ना वैसे कपड़े पहने हुए लोग मिलते थे। जो हमारे नेता भी थे ना वो ऐसे ही कपड़े पहनते थे। अभी कुछ नेता पुराने वाले नेता है वो पहनते रहेंगे, अदरवाइज ज्यादातर वेस्टर्नाइजेशन हो गया है उनका, राइट?
एनी बिहेवियर दैट कन्फर्म्स टू द कल्चर इज रिवॉर्डेड एंड दैट विच डज नॉट इज पनिश्ड और लुक डाउन अपॉन। तो जो भी व्यवहार है आपके कल्चर के अनुरूप है उसकी प्रशंसा होती है। तो बच्चे को अगर कल्चर के लिए संस्कृति के लिए स्ट्रांग अटैचमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, वो अपने आप फॉलो करेगा। तो इसीलिए हमारी भाषा को इसीलिए बचाना है तो हमारा कल्चर बचेगा। आजकल पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, इंग्लिश में बोलता है बच्चा एकदम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे तो खुश हो जाते हैं, वीडियो निकालते हैं, ग्रुप में भेजते हैं, स्टेटस में भेजते हैं। तो उनको भगवत गीता सिखाओ, भागवतम सिखाओ, आप सीखोगे तो वो भी सीख जाएंगे। अभी मेरे बच्चे को मुझे जितने श्लोक आते हैं उससे ज्यादा उसको आता है। दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। सो जब वो मेरी उम्र का हो जाएगा तो काफी आगे बढ़ा रहेगा। मैं काफी लेट सीखना चालू किया, उसने 2.5 साल की उम्र से सीखना चालू किया है। सो वो जरूरी है, उसको मैं नहलाता था जब छोटा था तब से मैं उसको श्लोक सुनाता था। मेरी वाइफ उसको मंगलाचरण सुनाती थी खिलाते वक्त सुलाते वक्त, तो वो सीख गया धीरे धीरे। तो अभी वो सब चीज़ अरे कुछ नया सीखा, अभी मुझे नए श्लोक ढूंढने पड़ते उसको सिखाने के लिए। आता आवड़े अच्छे के, ये तो आता ही है। तो एक अलग प्रकार का आनंद आता है आपको कि चलो आपका बच्चा कुछ अच्छा सीख रहा है। सो इसीलिए आपको भी सीखना जरूरी है, तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो ऑल कल्चर्स फ्लोज डाउन फ्रॉम द टॉप, यद यद आचरति श्रेष्ठ एवे देवे दर्शना, ऊपर से नीचे आता है। तो वैसे जैसा हम करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। सो राइट मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सही मॉडल बन के बताना पड़ेगा। सपोर्टिव वैल्यूज एंड गॉड कॉन्शियसनेस, भक्ति का वातावरण भी चाहिए और भगवान ही मुख्य है वैसी प्रेरणा भी देनी पड़ेगी। और ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे रूपा जी ने क्या बता दिया है कि एकदम सरल बना दिया है, ABCD मॉडल बना दिया है। ABCD मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो भक्तों के संग में मजा आता है। बुक्स पढ़ो, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और काफी पुस्तक है। चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और सबसे बढ़िया 8:30 बजे प्रसादम, D4 diet। तो ये 4 चीजों को आप बैलेंस कर दो तो आपका भक्ति इजी है। तो प्रभुपाद ने उसको क्या एकदम रसमय बना दिया है। तो कल्चरल बिल्डिंग ऑल्सो मीन्स प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, तो वो जीवन के हर एक पहलू को वो भगवान के साथ जोड़ के कर पाए। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो युद्ध में भगवान क्या बता रहे, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करो और युद्ध करो। तो युद्ध को भी भक्ति बना सकते हो। अरे मुझे बोलना अच्छा लगता है, बातें अच्छे लगती है, तो मैं पेशेंट को मिलता हूँ ना तो उसके पास भी बैठ जाता हूँ, उसको भी भगवत गीता सिखाता हूँ और उसको भी अच्छा लगता है। वो क्या बोलता है, ऐसे डॉक्टर तो पहले मिले कि जो ऐसे अच्छे से बात करते हैं, तो कोई डॉक्टर बात ही नहीं करता है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता है। तो आप जहां पे हो वहां पे आप प्रवचन कर सकते हो। प्रवचन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं? तो कितने लोगों को लग रहा है कि आप पढ़ेंगे कल से? लग रहा है, पढ़ना नहीं है आपको, लगना चाहिए ना, पहले तो लगना चाहिए, अंदर से इच्छा होनी चाहिए। मैंने कहा बोला कि आपको पढ़ना है, आपको लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है कि पढ़ना चाहिए? नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करेंगे कितने लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों को क्या है कि सोने का एरिया अच्छे से होना चाहिए, खेलने का एरिया होना चाहिए, पढ़ाई का एरिया, तो उनको थोड़ा सा उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बैठेंगे तो पढ़ना है, ये खेलने का एरिया है, ये खाने की जगह है वैसे। और सबसे लास्ट है वो है टीचिंग, जो हम बोलते हैं ना, हम क्या करते हैं गुजराती में, टीची नाकी सोए, हम टीचिंग नहीं करते, टीची नाकी। बच्चों को क्या करते हैं, हम पढ़ाई का इतना ज़्यादा महत्व कर लिया है हमने कि हम बच्चों को मतलब उनके साथ जीने का जो मजा है ना उसको बंद कर दिया हमने। ऐसा लग रहा है कितने लोगों को हो गया ऐसा? जो बड़े जो सीनियर लोग हैं उनको पता है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ प्रेशर नहीं दिया था, हम लोग पढ़ लिया है। तो माता जी मेरे मम्मी की उम्र के रहेंगे, 60+ एज रहेगा उनका,
अभी मेरा 42 रनिंग है अभी, तो आई लॉस्ट माई मदर लास्ट ईयर, तो मुझे याद नहीं है कि मेरी मम्मी ने कभी मुझे डांटा हो, याद ही नहीं है। तो मम्मी तो ऐसी होनी चाहिए। तो अगर जो अभी मम्मियां हैं, अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनको मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी मम्मी बनिए आप। अगर आप डांट रहे हैं तो डांटना बंद, प्यार कीजिए, आपका काम ही एक है, राइट? सही है, पूरी दुनिया तो डंडा मारेगी उसको, एक ही व्यक्ति ऐसी है जो अनकंडीशनल लव कर सकती है, और वो है माँ। अगर माँ भी डंडा मारना चालू कर देगी तो बच्चा कहां जाएगा, राइट? कर सकते हैं माता, ऐसा कर सकते हैं, कितनी माता है, प्रयास करेगी, करना नहीं है, प्रयास करेगी, हाथ ऊपर करो, प्रयास 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 के लिए तो हाथ ऊपर करो, प्रयास प्रयास करेगी, प्रयास तो कर सकते हैं। सो ओनली आफ्टर 3 stages आर कंप्लीटेड डज टीचिंग हैव इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। तो अगर आपने पहले मॉडलिंग सही किया, मेंटरिंग सही किया, ऑर्गेनाइजेशन सही किया, तो उसके बाद क्या होगा, टीचिंग नेचुरली होगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अभी मैं कुछ पढ़ाता हूँ ना, मैं डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ, नर्सिस को पढ़ाता हूँ, जनरल पब्लिक के लिए क्लासेस देता हूँ, डेलीगेट्स के लिए क्लासेस देता हूँ, तो वो नेचुरली होता है। कैसे होता है, क्योंकि अंदर आ गया ना, तो जो अंदर रहेगा वो बाहर आएगा, उसके लिए कुछ आपको प्रयास करने पड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले सबसे इजी काम क्या है, अपने आप को चेंज करना इजी है, बच्चों को चेंज करना इजी है? जितने लोग मानते हैं अपने आप को इजी है वो हाथ ऊपर करो, और बच्चे को चेंज करना इजी है वो हाथ ऊपर करो। अपने आप को करना है ना, तो इसीलिए जो भी मैंने बताया ना वो आपको करना है, बच्चों को नहीं करना है, आपके ऊपर करना है, तो इजीली हो जाएगा। तो फ्रूट्स है जो टीचिंग है वो कब मिलेगा, जब रूट सही होंगे, पोषण जो मिलता है ना नीचे से, जमीन में से पानी और सब चीजें, वो सही मिलेगा। तना, मेंटरिंग सही रहेगा, मॉडलिंग सही रहेगा, मेंटरिंग सही रहेगा। ब्रांचेस, ऑर्गेनाइजेशन सही रहेगा, एक बाजू में ब्रांच ज़्यादा होगा, एक बाजू कम हो जाएगा, पेड़ झुक जाएगा ना, बैलेंस में चाहिए ना सब कुछ, तभी वो फ्रूट्स सही आएंगे, तो तभी टीचिंग होगा। टीचिंग के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना है आपको। मैं तो पेशेंट देखता हूँ ना, तभी पढ़ाना चालू हो जाता है, ऐसे अलग से बैठने की भी जरूरत नहीं है। तो वैसे ही क्या, आप सब कुछ करते रहेंगे ना तो बच्चा भी सीख जाएगा ये करना है। मैं घर पे जाता हूँ तो ऐसे वो उसको समझ में आ जाता है कि थोड़ा डिसिप्लिन में रहना है, तो वो तुरंत अपना अपना चालू हो जाता है, उसको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। और क्या है, उसको अच्छी चीज़ें हैं तो मैं अप्रिसिएट करता हूँ बच्चे को, तो वो क्या करता है, उसको अच्छी चीज़ें अप्रिसिएशन जहाँ से मिलता है, पापा क्यों लकी उसे जो ना जरा आपने लूज क्यों सरस लकी पति, इट इज सो सिंपल कि हमको उसके ऊपर भरोसा ही नहीं आता है। जो इजी होता है ना, कृष्ण प्राप्ति सरल है कि डिफिकल्ट है, सरल है, लेकिन हम सरल नहीं है, हम लोग डिफिकल्ट है ना, इसीलिए सरल नहीं है। जैसे हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं तो मैं बताता हूं कि अभी उनका लास्ट समय है, तो उनके कल्याण के लिए कुछ करवा, तो लोग क्या बोले, नहीं डॉक्टर और कोई दवाई दे सकते हैं क्या, और कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसे पूछते हैं। फिर एक दो दिन चले जाते हैं, फिर बाद में बोले डॉक्टर अभी क्या करें, मैं तो पहले बताया था वही करना है, अभी भगवद गीता पढ़ो, तो फिर बाद में वो उसके ऊपर आते हैं, बेटा एक जन आगे बैसी जाओ, एक जन पांचवा बैसी जाओ, ओके। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग देम अबाउट मटेरियल लाइफ, पेरेंट हैव टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। प्रहलाद महाराज क्या बताते, 5 साल का बच्चा है तभी से उसको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, कौमारम आचरित प्राज्ञ, कुमार अवस्था है, 5 साल से जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब से उसको हमें आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान, बेसिकली टीचिंग मतलब स्पिरिचुअल टीचिंग, हम जो पढ़ा रहे कचरा पढ़ा रहे, उसको क्या है, नौकर बनने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। सर्विस का मतलब क्या है, सेवा, सेवा किसके लिए, वेतन के लिए। मेरे बेटे ने एमटेक किया हुआ है और ये बड़ी कंपनी में इतने लाख का पैकेज है, उसकी लाइफ क्या देखो आप जाके, वो डेडलाइन में फंसा हुआ है। आई हैव ऑब्जर्व सो मेनी पीपल लाइक दिस, तो वो कोई लाइफ नहीं है। अगर आप प्रसन्न हो,
आपका बच्चा कम काम करेगा, कम कमाएगा, लेकिन अगर भक्ति कर रहा है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। ज्यादा पढ़ के, ज्यादा घंटे काम करके, ज्यादा पैसे कमा के अगर फिर वो दारू पी रहा है, पार्टी कर रहा है, तो यू शुड नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे जब छोटे हैं तभी से उनको ज्यादा एम्बिशियस नहीं, ज्यादा गुणवान बनाना चाहिए। इवन पहले मैरिजेस भी ऐसे देख के करते थे ना, गुण देख के करते थे, इनकम देख के नहीं करते थे। अभी आजकल क्या करते हैं, डिग्री क्या है, लड़के वाले भी पूछते हैं लड़की की डिग्री क्या है, फिर बोलते सैलरी कितना है, ये सब पूछते हैं ना। पहले ये सब देखते थे क्या, ये नहीं देखते थे, गुण देखते थे कि ये फैमिली अच्छा है, कल्चर्ड फैमिली है, वो सब चीजें देखी जाती थी। तो वो पूरा कल्चरल शिफ्ट आ गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गया वैल्यूज में, तो वैल्यूज को वापस लाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ऋषभदेव भगवान बताते हैं भागवतम में पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के 18वें श्लोक में, किसी को भी क्या नहीं बनना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, या देवता नहीं बनना चाहिए, अगर वह अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल नहीं पाता। क्या पांच चीजें नहीं बनना चाहिए आपको, माता पिता, गुरु, पति और देवता। अगर आप आपके आश्रित को जन्म मृत्यु के जंजाल से बाहर नहीं निकाल पाते हो तो आपको ये पोस्ट लेना। अभी हम माता पिता तो बन गए, अभी क्या करें, तो अभी वही काम करना है ना, जैसे तो भगवान बता रहे हैं कि उनको ये जंजाल से बाहर निकालने का प्रयास करो, और वो प्रयास में आप भी बाहर आ जाओगे क्योंकि आपको पहले करना पड़ेगा, आपको तो पहले करना पड़ेगा तभी बच्चा करेगा। सो बच्चों के लिए आप लाइफ कोच हैं, तो आपको क्या उनको वैल्यू सिखाने हैं, स्किल सिखाने हैं, जीवन के जो लिए जो जरूरी चीजें वो सब चीजें आपको सिखानी है। स्किल्स कुछ चीजें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती है, कैसी, जैसे थिंकिंग स्किल्स, प्लानिंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, वो आपको बच्चों को घर पे सिखाना है। छोटे छोटे असाइनमेंट्स देके आप सिखा सकते हो, आप कभी साथ में लेके उनको बोलो कि बेटा ये पैसे दिए हैं, आप ये चीजें खरीद के लेके आ जाओ, फिर बोलेंगे कितने में आया, छुट्टे कितने हुए, तो सीखेगा, वो प्रैक्टिकली सीखेगा ना, वो सिर्फ सम्स करके एग्जाम देने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, आपको इतने बच्चों को पार्टी के लिए बुलाया, घर पे प्रसाद का व्यवस्था करना है, तो कितना करेंगे, क्या सोचेंगे, प्रैक्टिकल चीजें हैं। बैंक में लेके जाओ उसको, उसको फॉर्म भरवाओ, चेक भरवाओ, थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप करवा सकते हैं, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आ जाए। कई बच्चे ऐसे देखे कॉलेज में आ गए, उनको बैंक का काम कुछ नहीं समझ में आता है, वो मोबाइल सब कुछ आता है उनको, लेकिन कुछ बेसिक है ना, ये तो बेसिक चीज है ना, उनको बोला ड्राफ्ट बना के लाना है आपको, बोला ड्राफ्ट क्या होता है, होता है ना ऐसा, ऐसा कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, तो वो डिग्री से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल चीजें भी जरूरी है। ये बटन टूट गया तो कैसे लगाना है वो नहीं आता है, ऐसा होता है ना, कचरा पूजा करना नहीं आता है, बर्तन मांझना नहीं आता है, कपड़े धोना नहीं आता है, बेसिक स्किल्स है। ये चीजें आपको बच्चों को घर पे सिखाना है। आजकल लड़कियों को भी नहीं आता है, लड़कों को भी नहीं आता है, दोनों को आना चाहिए। पहले ऐसा था कि लड़कों को नहीं आता था तो चलता था, अभी दोनों को आना चाहिए, अभी अभी के लाइफ के लिए तो दोनों को आना चाहिए। पहले कैसा था, डिविजन था, क्लियर कट था, क्योंकि माताएं घर का ध्यान रखती थी, पिता घर बाहर का काम देखते थे, तो इसलिए वर्क डिविजन था। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा, इसलिए दोनों को दोनों काम आना जरूरी है। बच्चे छोटे हैं तभी से उनको सब कुछ सिखाना चाहिए। तो प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अभी मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, स्किल इंडिया कर रहे हैं ना, स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी एमटेक आईआईटी किया हुआ है वो बेकार हो सकता है, लेकिन आईटीआई किया हुआ है ना उसको कुछ जॉब मिल जाएगा, वो क्या देखेगा, इतना पैकेज है तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, वो घर में बैठ जाएगा। लेकिन आईटीआई किया हो क्या करेगा, 10-15 हज़ार की भी जॉब मिलेगा ना तो उसका काम चालू हो जाएगा, और 2-5 साल में वो सेट हो जाएगा, क्योंकि उसको आता है क्या करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, उसको बोलते कि ये फ्यूज कैसे लगाना है तो वो नहीं आता है उसको कई बार, क्योंकि वो हाईफाई चीजें सीखे हैं, बेसिक चीजें कई बार नहीं सीखे हैं, प्रैक्टिकल है। अभी डॉक्टर बन गया है लेकिन उसको बोलेंगे कि ये करना है, इंजेक्शन देना है, तो बोलेगा नर्स का काम है, वो मुझे नहीं आता है।
उनको वर्चुअल वर्ल्ड नहीं दिखाना है, उनको रियल वर्ल्ड दिखाना है, अनमोल प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। सो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, जैसे आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या है, भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड है। अभी रिफ्लेक्शन का भी रिफ्लेक्शन रहेगा तो प्रॉब्लम ही रहेगा ना। बट पीपल आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन वर्चुअल वर्ल्ड, और अभी ये बढ़ने वाला है धीरे धीरे। अभी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था तो वहां पे ऐसे बताते थे कि जैसे पेशेंट दूर रहेगा और डॉक्टर यहाँ पे वो ऐसे ग्लव्स पहन के उसको वहां पे एग्जामिन करेगा। अरे इतने इंडिया में तो इतने डॉक्टर्स हैं, वो ऐसा सब टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। ऐसे वेट करके बैठे हुए हैं कि पेशेंट कब आएगा हम देखेंगे इसका। सो टेक्नोलॉजी को आप जब बहुत यूज करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसके प्रॉब्लम्स ज्यादा आ जाएंगे। जैसे कोरोना में क्या था कि पीपी किट पहन के देखते थे तो पेशेंट को जो पर्सनल टच नहीं मिलता था, पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर के साथ थोड़ा सा मिले, बातचीत करे, तो थोड़ा सा उसको 50% तो डिजीज उसमें ही अच्छा हो जाता है। सही है कि नहीं, सबका अनुभव है ना। आपसे व्हाट्सएप कॉल करके ट्रीटमेंट देंगे और पर्सनली मिलकर ट्रीटमेंट में फर्क रहेगा कि नहीं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स ना, इमोशंस तो रहेंगे हमारे अंदर। तो इसीलिए हमें बच्चों को इससे बचाना है। तो कितने लोगों को लगता है इससे बचाना है, हाथ ऊपर करो। कुछ लोगों को नहीं लग रहा है अभी, सबको लग रहा है ना। तो इसमें आपको भी बचना है। तो आपको क्या करना है, उसका एकदम आवश्यकता हो तभी उपयोग करिए। अगर आपको स्मार्टफोन की आवश्यकता न लगे तो सादा फोन यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बोर्ड लगेंगे लोगों को कि ये ऐसा कैसा है, या किसी को लगेगा ये ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन वो अच्छा है, आप बचे रहेंगे। आपको अगर लग रहा है कि आपको प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, चेंज टू सिंपल फोन, दूसरे दिन से 2 घंटे बढ़ जाएंगे आपके पास, गारंटी है। और किसी को मोबाइल डी एडिक्शन करना है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास इजी रास्ते हैं। लेकिन पहले लगना चाहिए एडिक्टेड हो, एक्सेप्ट भी होना चाहिए कि हम एडिक्टेड हैं। तो मैंने मेरा खुद का किया हुआ है ना, इसलिए पता है मुझे। क्योंकि क्या है कि मैं ज़्यादा यूज़ करता था, तो बाद में वंस आई रियलाइज कि ये उसको मुझे कम करना है, तो अभी एकदम कम हो गया, जब जरूरत है तभी यूज़ होता है। डिसिप्लिन कितना अच्छा है, तो डिसिप्लिन ऐसा है खाने में नमक की तरह है, बहुत कम रहेगा तो बच्चे वैल्यूज नहीं रखेंगे कोई चीज़ की, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, आप डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे, डंडा मारते रहेंगे उसको, और बाद में फिर बच्चे आपको भी ध्यान में नहीं रहेंगे, अरे ये तो मम्मी है, एक डंडा मारे दे, होता है ना ऐसा, बच्चे मुँह में बोलेंगे बाद में, ये तो क्या लेक्चर आपसे अर्धो कलाक लेक्चर आपसे पेपर देगी, सांभळी भी लेशे, एने खबर है सांभळू पड़से, जमवानू तो मम्मी ज आपवानी छे ने, राइट। देखा है आपने आपके आसपास में ऐसे ऐसे बताया कि जब कोई डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं करते हैं ना तो बच्चे मिसबिहेव करते हैं, तो उनको बाहर से पनिशमेंट होगा, यहां पे पनिशमेंट नहीं करेंगे तो बाहर पनिशमेंट होगा। तो इसलिए एकदम अनवांटेड बिहेवियर उसको ओवरलुक नहीं कर सकते आप, उसको तो ध्यान देना पड़ेगा, उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज गलत कर रहा है घर पे, उसको आप बता नहीं रहे और बाहर उसके लिए उसको सजा मिल रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है ये, घर पे तो कोई बोल नहीं रहा है। तो आपको जो चीजें बाहर सही नहीं है उसको घर पे उसको बताना पड़ेगा, बेटा ये सही नहीं है, ये बाहर नहीं होना चाहिए। उसमें उसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस चला जाएगा उसका, और फिर लाइफ में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए उसके साथ। अगर पनिशमेंट देनी है तो कैसे करना है हम थोड़ा सा समझते हैं उसको। अगर कोई फ्रीक्वेंट पनिशमेंट देते हैं बच्चों को तो फिर नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो बार बार पनिशमेंट तो कभी भी नहीं देनी है, और पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए वो हम आगे देखेंगे। जब आप पनिशमेंट देते तो उससे क्या होता है, बच्चा आपके साथ खुल के बात नहीं करेगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, अपनी बात अंदर रखेगा, डिस्ट्रस्टफुल हो जाएगा, आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा या आपके भरोसे के लिए लायक नहीं रहेगा, और उसके चरित्र पे पेनफुल इम्प्रिंट्स हो जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स आते रहेंगे, डिप्रेस रहेगा,
डिस्करेज रहेगा, उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी। तो पनिशमेंट अगर हम ज़्यादा देते हैं तो उसके ये सारे इश्यूज हैं। तो डिसिप्लिन कैसे करना है? तो प्रभुपाद जी भागवत हमें बताते हैं, विदाउट बीइंग एंग्री, गुस्सा किए बिना, ही शुड कंटिन्यू गिविंग इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी टीचर है, माता पिता है, गुरु है, उसको क्या बताते रहना चाहिए। जैसे मैं क्या आपको हर क्लास में बताता रहता हूँ ना, तो मुझे आशा रहती है कि एक क्लास में तो अंतरात्मा जाग जाएगी। तो ये वो होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं ऑलमोस्ट 15-16 साल से प्रवचन लेता हूँ, तो मेरा अनुभव है कि वो होता है, वो राइट मोमेंट आ जाते कभी तो फिर क्या होता है, प्रभु जी अभी तो दीक्षा के लिए प्रयास करना है, फिर वो 16 माला भी रेगुलर करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या एक एक इंस्ट्रक्शंस आपको बिना गुस्से किए बताते रहना है, बताते रहना है, बताते रहना है। इवन इफ इज डिसाइपल, मतलब उसका शिष्य, सन यानी कि पुत्र पुत्री, या सिटीजन मतलब नागरिक, उसको फॉलो नहीं कर रहे तो भी बताना पड़ेगा हमें, बार बार बताना कि बेटा ये ऐसे होना चाहिए। अगर आपको वो कुछ डिमांड कर रहा है तो बोल सकते कि हम देखते हैं बाद में। वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि देखते हैं बाद में का मतलब है कि वो गलत डिमांड थी। लेकिन आप डांट दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसको कुछ बात करनी है तो आपके साथ खुल के नहीं कर पाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धैर्य रखना है, पेशेंस, और आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखने हैं, नॉट बेस्ड ऑन एंगर, गुस्से के ऊपर। गुस्सा कैसा होना चाहिए, भगवान की सेवा में होना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने किया था, अर्जुन ने किया था, ऐसा। बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से से क्या होता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है बच्चों के अंदर, और उसके भविष्य के लिए वो डेंजरस है। और डिसिप्लिन कई बार इमीडिएट करने की जरूरत नहीं रहता है, थोड़ा योग्य समय के ऊपर कर सकते हैं आप। उसको थोड़ा शांत कर दो आप बच्चे को, उसको बताओ कि बेटा ये करने से ये हो सकता है। कई बार उसको पता नहीं है कि ये करने से गलत कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए वो बच्चा वो कर रहा है, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब उनका बच्चा छोटा था तो उसको ऐसा फैन है ना, उसके अंदर उंगली डालनी थी, ये छोटा वाला है, लेकिन बड़ा रहेगा तो उसके अंदर उंगली चली जाती है। तो उनकी वाइफ डांट रहे थे, तो प्रभुपाद ने बोला छोड़ो, तो उन्होंने क्या किया, स्विच बंद कर दिया, फिर थोड़ा स्लो हो गया, फिर उसको बोला बेटा डाल के देखो, तो उसने वो उंगली डाली तो उसको लग गया, तो उसको समझ में आ गया कि ये नहीं करना है। तो मतलब उसको उस ऐसे उदाहरण से बताया कि उसको हार्म भी ना हो और वो लेसन सीख ले। तो कुछ कुछ गलतियां तो करने देनी पड़ेगी उनको, कंट्रोल एनवायरनमेंट। रूपा जी बताते हैं भानु तनिया दासी को 1972 में बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन एट ऑल, मारना नहीं चाहिए। दैट आई हैव टोल्ड दे शुड बी सोन द स्टिक स्ट्रांगली, उनको स्टिक दिखाओ आप। सो इफ वन कैनॉट मैनेज इन दैट वे देन ही इज नॉट फिट एज अ टीचर। ऐसे हम लोग प्राउड है ना, अरे हमारे डस्टर मारते थे, डंडा मारते थे, ये मारते थे, वो मारते थे, वो टीचर्स अच्छे नहीं थे, और जो बहुत पेम्पर करते वो भी अच्छे नहीं है। समझ रहे हैं आप, बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि डंडा मारने से क्या होता है कि वो बाहर कुछ नहीं बोलेगा लेकिन बाद में तो गाली देगा, होता है कि नहीं। और जो प्यार से बात करता है, समझाता है, अरे बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर फेल हो जाओगे, पढ़ाई कर लो, तो चार बार बताएगा तो फिर वो पढ़ाई करेगा। चलो प्रभुपाद जी क्या बताते, सो इफ वन कैनॉट मैनेज इन दैट वे देन ही इज नॉट फिट। तो शिक्षक उसको ही बनना चाहिए जिसको ब्राह्मणिकल गुण हो उसके अंदर, मतलब सम दम, वो मतलब अपने आप के कंट्रोल हो, वही व्यक्ति को शिक्षक बनना चाहिए। किसी अरे गहरे को नहीं बनना चाहिए, मतलब क्या है बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, आप बच्चे को पूरे जीवन को अफेक्ट करते हो। इफ अ चाइल्ड इज ट्रेन प्रॉपर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ही विल नेवर गो अवे। अगर बच्चे को कृष्ण भावनामृत देंगे तो बच्चा आपके पास रहेगा, वो पढ़ेगा अच्छे से। दैट मीन्स ही मस्ट हैव टू थिंग्स, प्रेम और अभ्यास, शिक्षण। तो उसको आपको प्रेम तो पहले देना है, बाद में अभ्यास करवाना है उसको। हम क्या करते हैं, आटू तो भणूज पढ़ से, अदरवाइज यू आर गॉन, वो कभी नहीं पढ़ेगा बच्चा। आप लोगों का भी अनुभव है ना, प्यार से करवाते तो आप करते हो ना, ऐसे जो टीचर अच्छे से पढ़ाते तो उसका क्लास कभी बंक नहीं करते। और जो हिटलर जैसे टीचर हैं तो बैठे हुए भी ध्यान नहीं रहता है, होता है कि नहीं।
सो इफ नो बीटिंग देन हाउ टू डिसिप्लिन. कुछ लोगों को तो ऐसा है कि मार के ही होता है. कुछ माता पिता को पहले पहले दो ठोक देते हैं, बाद में कुछ फिर गाइडेंस देते हैं उसको. ऐसे देखे आपने लोगों को कि जब तक दो पड़ती नहीं तब तक उसका एंटेना सीधा नहीं होता है. सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लविंग एटीट्यूड से आप सिखा सकते हैं. प्रभुपाद ने क्या हिप्पीज को हैप्पी बना दिया है, तो हमारे बच्चे उतने तो गए गुजरे नहीं है ना. या ट्रिक कर दो उसको, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यू मे शो अ स्टिक थ्रेटन बट बेटर इज टू समहाउ और अदर इवन बाय ट्रिकिंग देम. जैसे बच्चा कुछ रो रहा है, कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है, सो डाइवर्ट कर दो उसको आप. जो बड़े जो माता जी हैं उनको सबको ये ट्रिक आती है, जो छोटे माता जी है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े सीनियर लेडीज है ना वो ऐसे बच्चों को संभाल लेते हैं. दादी माँ बोलते हैं ना जो, तो वो एक्सपर्ट रहते हैं ये सब चीज़ों में, वो इरिटेट भी नहीं होते, वो बच्चों के साथ खिलने का ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं. सो अवॉइड दिस मैटर ऑफ फोर्स एंड इंड्यूस देम टू ओबे आउट ऑफ लविंग स्पिरिट. बच्चा इसलिए करेगा, जैसे अनमोल वो स्कूल में जाता है ना तो हरिणी माता जी पढ़ाते हैं, तो हरिणी माता जी क्या बोलते, अनमोल तो धोती कुर्ता में बहुत अच्छा लगता है, तू श्लोक बहुत अच्छे से करता है. तो वो क्या करते हैं अनमोल, माता जी को अच्छा लगता है ना इसलिए मैं यही पहन के जाऊंगा, मैं श्लोक तैयार कर. मतलब दिस इज हाउ यू कैन इंस्पायर. अभी जैसे बताते कि कभी अरे बच्चा चैंटिंग नहीं करता है, आरती नहीं करता है, तो क्या करें. सो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि बच्चों को भक्ति में लगाए. आप तो बोल रहे हो कि माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं. जब तक तो फिर कैसे करें. जबरदस्ती नहीं करना है आपको, वैसा वातावरण देना है, प्रयास करना है, इंस्पायर करना है, तो धीरे 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 करके बच्चा वैसा करेगा. तो फोर्स नहीं करना है उसको, वातावरण देना है. कोई छोटी मोटी चीज़ है तो वार्निंग दे सकते हैं, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम किया तो चेस्टाइजमेंट दे सकते हैं. सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्टिव रूल, तो थॉटलेस क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, मतलब बिना सोचे उसको डांटना नहीं चाहिए. और अगर आपने गलती से डांट भी दिया है तो आपको सॉरी भी बोलना चाहिए. कई बार हो सकता है ऐसा कि आप इंपल्सिव होके उसको डांट दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी गलती है तो यू शुड से सॉरी ऑल्सो. तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वैसा बिहेवियर आप नहीं करेंगे. लेकिन मैंने बहुत कम पेरेंट्स को बच्चों को सॉरी बोलते हुए देखा है. शायद हमारी जनरेशन में तो कोई पेरेंट्स बोलते ही नहीं थे, हो गया मतलब हो गया, राइट. तो वो समय अलग था. अभी के समय में बच्चों को डाइवर्ट होने के काफी चांसेस हैं, तो अभी ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि बच्चे फिर गलत तरीके से आपसे निकल जाए. आपको काफी क्लोज रहना जरूरी है. ऑलवेज प्रोटेक्ट चाइल्ड सेल्फ टीम. आप ऐसे बोलते यू आर अ गुड डॉटर, आप तो अच्छे बच्चे बड़ा ऐसे करो, या आप तो हमेशा क्लीन रहते हो, ये कैसे हो गया, गंदा हो गया, वो बोलना है उसको. लेकिन पहले क्या बोलो, आप तो नॉर्मली तो क्लीन रहते हो, आप तो बहुत अच्छे पढ़ाई में हो, तो वैसे ही बोलना है आपको. हरे कृष्ण. ऐसे नहीं बोलना कि अरे यू आर सेमलेस, यू आर अ यूजलेस बॉय, तुम तो कुछ ठीक ठाक करते ही नहीं हो, वैसा नहीं बोलना है. तो स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, आपको हमेशा शांत रहना है. अगर कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो उसको थोड़े समय के लिए अलग कर दो, अलग बिठा दो उसको, उसके लिए बातचीत करो, उसको कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये गलत करोगे तो आगे क्या होगा वो समझाओ, और उसका जो सेल्फ एस्टीम है उसको फिर से रीइन्फोर्स करने के लिए प्रयास करो. उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपको उसके इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट है, आपको डांटने में इंटरेस्ट है, वैसा नहीं लगना चाहिए उसको. रियल लव मीन्स टू गिव स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सो दैट द चिल्ड्रन बिकम कृष्णा कॉन्शियस. भक्ति में लगे वही सही प्रेम है. तो वो करेंगे तो बाकी का हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, मेरा खुद का अनुभव है. विथ लव एंड गुड ट्रेनिंग और आपका खुद का अनुभव और एग्जाम्पल बना के बच्चे धीरे धीरे डिसिप्लिन में आ जाएंगे. थोड़ा समय देना पड़ेगा. जरे मेरी वाइफ है तो हमारे शादी को 15 साल हो गए, तो शादी के पहले दिन ही ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं जो फॉलो करूंगा वो नहीं कर सकते. तो अभी 15 साल हो गए तो मैं जो कर रहा हूँ वो सब कर रही है, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स भी कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं. समय देना पड़ता है, तो बच्चों को भी समय देना पड़ता है. ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है. सो आज के क्लास में हम चार चीज़ें सीखें. सबसे पहले क्या सीखें हम,
मॉडलिंग, मेंटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग और टीचिंग। तो टीचिंग करने का कोई प्रयास करना ही नहीं है, टीचिंग अपने आप होगा। और ये रूल्स सब जगह पे अप्लाई करता है, बच्चों के लिए भी, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशन होल्ड करते हैं तो वहाँ पे भी, या कहीं पे भी जहाँ पे आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं तो वहाँ पे ये रूल काम करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, प्रेम से ही होगा, भक्ति भी करनी है तो भी प्रेम से ही होगी। बच्चे को जो जबरदस्ती करेंगे, बेटा बैठ कर, अभी उसका मूड नहीं है तो खेल क्या जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो सीखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा बोलिए। सर मेरे 2.5 साल की लड़की है, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, और मेरा हमने घर में कोई आदत डाली नहीं है मोबाइल, मैं भी कुछ गलत देखता नहीं, काम से आता हूँ थोड़ा ज्यादा आधा घंटा देखो फोन में, उसको मोबाइल पहली बार दिया किसने? अभी मेरे घर में भी 10 साल का बच्चा है, वो तो मोबाइल नहीं लेता, उसने नहीं लेता है क्योंकि उसको मैंने बताया कि बेटा ये उसका अलग पर्पज है, उसको आपको समझाना पड़ेगा कि इसका बेटा अलग पर्पज है, ये खेलने की चीज नहीं, उसको खेलने दो और समय दो आपका। ज्यादातर क्या होता है कि हम समय नहीं दे पाते हैं और हम मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, तो वो क्या, वो खेलता रहेगा। इनिशियली हमको अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा सा हमको फ्रीडम मिल गया, उसको भी मजा आ गया, बाद में धीरे धीरे उसको एडिक्शन हो जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी देखेंगे उसके बिना खाना नहीं खाते हैं, 2 दिन रोएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर के उनके सामने मोबाइल यूज करना बंद कर दो, कुछ नहीं करना है। अभी उसको दूसरे ऑप्शन दे दो आप, जैसे कि आप उसको कुछ कलरिंग बुक्स दे दो, कुछ बाहर लेके खिलाओ उसको, उसके साथ बातें करो, उसको स्टोरी सुनाओ, तो धीरे धीरे बच्चे तो डाइवर्ट हो जाते हैं। 2.5 साल का तो कोई, अभी मेरा बच्चा है ना, उसको ये मोबाइल यूज करना आता है लेकिन उसको नहीं मिलता है, उसको छोटा वाला मोबाइल है, उसको फोन करना है तो उससे फोन कर सकता है, दैट्स ऑल, सिंपल है। हमारे घर में वो टीवी देखते हैं नहीं, टीवी है ही नहीं, तो कंप्लेन ही नहीं है कि वो टीवी देखता है मोबाइल देखता है। वो मेरा लैपटॉप है, मैं यूज करता हूँ, कई बार बोलता है कि पापा मैं करूँ ये करूँ, तब ये मेरा है ना, मैं तुम्हारी बुक्स पढ़ता हूँ, तो बोले नहीं बस सिंपल। तो ये बहुत सिंपल होता है, हम कई बार उसको बहुत अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। वो मुझे बोलता है कि पापा मैं आपके हॉस्पिटल आऊँ, मुझे घूमने आना है, मैं तुम्हारे स्कूल आता हूँ घूमने के लिए, वेरी सिंपल। तो ऐसे इजी होता है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि ये डिफिकल्ट है। हाँ, अगर वो 5-6 साल की हो जाएगी तब भी ये कंटिन्यू रहेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, आप उसके सामने यूज करना टोटली बंद कर दो, आप यूज करना बंद कर दो तो उसको याद नहीं आएगा, उसको ऐसा लगता है कि आप यूज कर रहे हो और मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, समझ रहे हैं? भाई उसको इसके अंदर YouTube है, उसको किसने बताया? Getting my point? बच्चों को कैसे पता चला कि उसके अंदर YouTube है? क्योंकि हमको देखा है ना YouTube यूज करते हुए। तो आपको एक काम करना है कि मोबाइल है उसको उससे उसके पहुंच से दूर रखना है, और उसके सामने आपको मोबाइल यूज नहीं करना, वो अपने आप चेंज हो जाएगा, तो आपके पास भी टाइम बचेगा, तो आप क्या करेंगे उसके साथ खेलो, यही तो समय है उसके साथ समय बिताने का। आप बच्चे को नहलाते हो उसमें मजा लो, खिलाते हो उसमें मजा लो, सुलाते हो उसमें मजा लो ना। हम लोग मोबाइल का यूज ज्यादा करते हैं इसीलिए बच्चे सीखते हैं, हम छोटे थे तब यूज नहीं करते थे, मोबाइल था ही नहीं ना उस समय पे, दूरदर्शन आता था ना पहले, उस समय पे क्या आता था, चैनल्स भी नहीं आते थे, तो इतना कुछ लोग समय नहीं बर्बाद करते थे, टीवी का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए भक्तों से तो मैं अनुरोध करूंगा कि घर में टीवी होना ही नहीं चाहिए, टीवी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपको ये जन्म में भगवत धाम जाना है
तो टीवी बंद करना कंपलसरी है। और अगर आपको फिर से जन्म और मृत्यु के चक्कर में आना है तो आप टीवी के चक्कर में लग जाओ, क्योंकि आपका डिग्रेडेशन होना अवश्यंभावी है, वो होना ही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं आती है कि जो आपको काम में आए। ठीक है, हरे कृष्ण।